राधे राधे, वेलकम बैक टू बियॉन्ड माई लिमिट ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड हम भी यहाँ पर एकदम फिट एंड फाइन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, जिसमें मैं एक्चुअली आज मेरा सारा काम हो चुका है और आज है मेरा फास्टिंग। आज ट्यूसडे है, मेरा फास्टिंग है। बट किस चीज़ का फास्टिंग है? किसी चीज़ का फास्टिंग नहीं है, बट फास्टिंग है मतलब मैं कोई हेल्थ के लिए थोड़ा मैं फास्टिंग करती नहीं हूँ। बहुत 3-4 महीने से मैं नहीं कर पा रही थी और क्यों नहीं पता नहीं, मुझे भूख लग रही थी या मेरी थोड़ी इम्यूनिटी डाउन थी, तो ऐसा कुछ चल रहा था और यही रीज़न था मैं फास्टिंग नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने फास्ट किया है और टचवुड थैंक्स टू गॉड कि अभी तक मुझे भूख भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है गाइस। लेकिन अभी 11 ही बज रहे हैं, भूख लगनी भी नहीं चाहिए। और हमें खाने के, जब हम ऐसा फास्ट करते हैं ना, तो हमें खाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जैसा फास्टिंग मैं कर रही हूँ ना, इसे बोलते हैं ऑटोफिजी। तो अगर ऑटोफिजी नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ, तो मैं बताऊँगी आपको ऑटोफिजी क्या होता है। वैसे तो आपको ऑनलाइन में पता चल जाएगा व्हाट इज़ ऑटोफिजी। तो उस चीज़ के लिए मैं ये फास्टिंग कर रही हूँ, अपने हेल्थ के लिए कर रही हूँ। तो यस, और इसमें कोई फ्रूट्स नहीं खाए जाते, कोई नट्स वगैरह नहीं खाया जाता। सिर्फ आप पानी पीते हो, आपको जब प्यास लगे तो आप पानी पियो, और हो सके तो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है बट हो सके तो आप नारियल पानी भी पी सकते हो। तो अगर मैं बाहर गई, जब भी मैं बाहर जाती हूँ फास्टिंग पे, तभी मैं नारियल पानी पीती हूँ। मंगा के बीमार होते तभी पीते हैं, नहीं तो नहीं पीते। तो यस, ऐसा कुछ है। तो आज मेरा फास्ट है एंड आई एम फीलिंग गुड एट 11 AM। आई डोंट नो क्या होगा आगे, देखा जाएगा। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत सारे काम है गाइस, बहुत सारे काम है आज। देखो फिर से बिल्ली रानी हमारे घर में आ गई है, दूध पी रही है ना म्याओ म्याओ, एकदम बिजी है अपना दूध पीने। अरे अरे अरे, डर मत मेरी माँ, डर मत, उसका पेट भर गया है, पेट भर गया। ये देखो म्याऊ, ये यार, और एक बिल्ली, ये एक बिल्ली, ये एक बिल्ली, हाँ बिल्ली, और ये एक बिल्ली, और बीच में दूध लाया। देखा उसको एटीट्यूड है, कितना एटीट्यूड है रे तेरे को, हाँ कर रही है वो, मतलब पेट भर गया, मैं निकल रही हूँ, इसका पेट भर गया। देखा अब दूध के पास नहीं आ रही है ना ए मियाँ, पेट भर गया। पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है ना उसका गाल पकड़ के चिकी 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 करने का, लेकिन उससे पहले वो मेरा चिकी चिकी कर देगी। ए मियाँ मियाँ मियाँ, गई तेरी मियाँ, जा। गाइस क्या बोलते हो, बिल्ली का गाल पकड़ा जा सकता है क्या? अगर वो मुझे झपट्टा मार के मारने ना आए तो, हाय ये तो सो रही है क्या, खुजली कर रही है। क्या क्या करते रहते, मेरे को तो समझ नहीं आता। आजा, बोल लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, तू तो बोल, तेरी बात सुनेंगे शायद ये लोग। बिल्ली मौसी बोलो इनको, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हाँ मेरी बात तो सुनते ही नहीं। हाँ रह रहे कि तुमको याद आता है कि दूध पड़ा है तुम्हारा, रह रहे के याद आता है। देखो कैसी आवाज आती है, चप 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 चप। एकदम से उठ रहा हूँ, बोल रे राम कृष्णा, पी लो दूध, बाबू बिल्ली मौसी दूध पी लो, पी लिया, चाट गई कटोरा, कटोरा चाट गई बिल्ली मौसी, अब क्या देना है, अब क्या खिलाने का इरादा है? पर ही वो चॉकलेट्स नहीं खाएगी शायद, ठीक है मैं पानी दे रही हूँ, पानी पिएगा, पानी पिएगा, सॉरी
वाली बिल्ली को ज्यादा पानी मिक्स नहीं, कर दिया। हाथ लगाने की कोशिश करो, मत करो बंदी। आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे को डर लग रहा है, मैं ऐसे कर सकती हूँ। टेल कितनी मस्त है देखो, तो खड़ी रहती है टेल। मम्मी और कितना दूध दे रही है, वो नहीं पिएगी उतना। अरे अभी टेल नीचे चली गई, अभी अभी वो अलर्ट में नहीं है ना, वो अलर्ट रहती है तब टेल ऊपर रहती है ना। और आप उसको ना ऐसे कर रही हो तब बोल रही है ले, गई वो वाले कटोरे में पीने के लिए। वैसे भी वो हम नहीं पियेंगे वो दूध। ले झूठा कर दिया मैडम ने, करने दे बिल्ली मौसी। मुझे बड़ा डर लग रहा है इससे, कभी भी वो मुँह एकदम उठा के ढूंढ करके मेरे ऊपर आ गई तो। क्या है, काश मैं इसको पकड़ पाती, मुझे ना डर लगता है बस इसलिए पकड़ नहीं सकती। कुत्ता होता तो पकड़ लेती। कैसे कैसे करती बता, ऐसे ऐसे करती। ओ गॉड, आज मैं फिर अपनी वॉक पे निकल चुकी हूँ क्योंकि वॉकिंग करना मुझे पसंद है। और एक्चुअली हम लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं, एक ज्वेलरी शॉप जाना है, फिर थोड़ी सी सब्जियां लेनी हैं, फिर मुझे मैंने अपना सूट दिया है ऑल्टर करने के लिए वो कलेक्ट करना है, फिर किराना शॉप से भी कुछ सामान लेने हैं, वो धनिया सॉल्ट वो सब लेते हैं वो लेना है, फिर एक दूसरे मार्केट जाऊंगी, वो तो मैं गाड़ी से जाऊंगी। ये बाकी चीज़ें मैं थोड़ा पैदल पैदल करना चाहती हूँ। गाइस वो देखो रेड एंड येलो फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं ना, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ऐसा कुछ है और पता नहीं अभी मुझे कितना टाइम लगने वाला है इस वॉकिंग में काम करते हुए। तो चलो, हाँ यार सॉरी मैं तो बोलना ही भूल गई, आज है धनतेरस, खूब सारा धन खरीदिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। हैप्पी धनतेरस टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो धनतेरस की हार्दिक 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 बहुत 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 शुभकामनाएं, खूब सारा गोल्ड खरीदो। हाँ और थोड़ा मुझे भी दो दे दो, मैं भी खरीद लेती हूँ। अब हम लोग अपनी ना सेकेंड लॉट शॉपिंग के लिए निकल चुके हैं, नहीं शॉपिंग नहीं मार्केट के लिए निकले हुए हैं। और क्या बोलूँ मैं, और ऐसे कैमरा सामने लगा के रखे, नीचे ऊपर मेरे लगा के रखे, ठीक है। आज ना धनतेरस है ना, तो हमारे घर में ना दिया जलाया जाता है ना, तो एक दिया जलाते हैं हम जो होता है अटिका। तो मैं ये दिया बना रही हूँ अभी, जिसके फोर वो होंगे, क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे रहता है ना, जिसमें दिया आई मीन जिसमें वो बत्ती ऐसे ऐसे जाती है, दिखाती हूँ को। तो ये है, और मैंने सुना है कि इसको जलाने का जो मुहूर्त है वो है, इसको जलाने का मुहूर्त है ओनली 8 o'clock तक। तो ये देखो ये गोला बन गया ना, अब एक गोले में हमें ऐसे कर देना है बस, ये देखो ऐसा ऐसा कर देना है, ऐसा, और फिर ऐसा, लेकिन
इसको देखो, बन गया मेरा चार मुख वाला, यू नो, ये देखो बन गया ना, फोर साइड्स बन गया ना, फोर मुख वाला दिया ये। और अब इसे हमें जलाना है, बाकी का प्रोसेस मैं चुपचाप करूँगी। हाँ, तो आज हमारे ऑफिस से भी गिफ्ट्स आ गए हैं, तो मैं आपको अपने गिफ्ट दिखाऊँ जो गिफ्ट्स आए हैं। तो ये हैं कुछ, क्या बोलते हैं, दिवाली के यू नो स्वीट्स हैं, इसमें पटाखे भी हैं थोड़े, और यू नो चकना चूड़ा भी है, दाल मूठ, देखो दाल मूठ दाल मूठ है, और क्या क्या है यार, ओट्स पफ है, ये सब मिला है। और ये मिला है क्या, भजनी खाकली पाकली, व्हाट इज दिस आई डोंट नो, तो ऐसी कुछ चीज़ें ये मिली हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये है, ये पटाखे नहीं हैं, ये है चॉकलेट्स, बट इनका शेप तो पटाखों जैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बॉम अनार, ये रॉकेट, तो ऐसा लग रहा है ना एकदम मस्त। तो ये है, और यही है वो हैप्पी दिवाली का, मतलब यही है सेम। और ये डब्बा है, तो ये दिवाली गिफ्ट्स आए हैं और भी हैं। और एक ये बॉक्स आया है, तो इसमें ये कप है, यू नो ये कप, नाइस नो, देखो ये कप है, और इसको ये लिड भी है, और ये भी एक कप है जिसको एक लिड है, और इसमें ये दिया भी है, ये चॉकलेट है कोई, क्या चॉकलेट है भाई, रोस्टेड आलमंड ब्रिटल चॉकलेट, ओह वाओ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ऐसा कुछ आया है। और मैंने सोच रखा है कि जब ये सारी चीज़ें इसमें से ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ इसको इसको निकालूंगी नहीं, लेकिन ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स हो जाएगा, है ना, अच्छा है ना ज्वेलरी बॉक्स, नाइस ज्वेलरी बॉक्स, तो ये ज्वेलरी बॉक्स हो जाएगा, बहुत प्यारा है ये। तो ये गिफ्ट्स हैं, और घर में चली गई है लाइट, और पता नहीं अभी लाइट सडन से क्यों गई। तो हम लोग खा रहे हैं अपना खाना, मैंने यहाँ पे बनाया पालक का साग, और मैंने बनाया है लौकी फ्राई, लौकी फ्राई मतलब इसमें थोड़ा पानी डाल के पकाते हैं। और पता है मैंने अपने लिए बनाई है ये रोटी ना, ये आटे की रोटी नहीं है, ये है बेसन की रोटी, तो मैंने अपने लिए बेसन की रोटी बनाई है, तुम्हारे लिए नहीं बनाई, टेंशन मत लो, बैबे बैबे करना है तुमको, रोटी नहीं खाना, क्या खाना है, पापा मेरे पाव भाजी मंगाए, मंगाए दिए, हाँ। अरे ये खाना कौन खाएगा, इतना हेल्दी खाना, हेल्दी बननी क्या है यार, दिवाली के समय भी कौन ऐसे खाना खिलाता है, ऑर्डर हो गया है, हाँ पक्का पापा के, क्योंकि मेरा तो आज लिमिट एक्सीड हो गया है ना पेमेंट का, हाँ पक्का हो गया है, हाँ। जाओ भाई खाओ अनहेल्दी अनहेल्दी, मैं तो खाऊंगी अपना, ठीक है जा रही हूँ, अरे लाइट दिखाओ मुझे, हाँ जाओ खाओ, ले गई, अरे भैया मेरे को ना सब्जियां ज्यादा चाहिए होती हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, सब्जी खाना चाहिए, मैं फ्लैशलाइट ऑन कर सकती हूं भाई, थोड़ी हट जा, छोड़ मेरा फोन, फ्लैशलाइट ऑन कर सकती हूं, देखो कर मत ना कड़कड़, आप कर सकते, माय फूड इज रेडी गाइस, आई एम गोइंग टू ईट माय हेल्दी हेल्दी खाना, एंड दीस पीपल विल ईट ऑल कचरा कचरा खाना। और देख सकते हो आप मेरा घर का हालत अभी कितनी गंदी हालत में है, आप देख लो, देखो बस देखो, कचरा पचरा 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 पचरा, इधर उधर उधर, अभी जो हम लोग सामान लेके आए ना, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं सामान लेके आई थी, कुछ सामान पूजा वूजा का, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं, यहाँ गिफ्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये 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 परी ने सजाने के लिए भी लगा रखा है, लगाया नहीं है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती अभी घर की हालत इतनी गंदी है, लेकिन मैं अभी पूरा घर ठीक करूँगी। मैंने खाना खा लिया है गाइस, क्योंकि आज मेरा फास्टिंग था, तो मुझे एनर्जी चाहिए थी,
अब जाके मेरा 10 o'clock मेरा डिनर कंप्लीट हुआ है और मैं 5 मिनट्स रेस्ट ले रही हूँ, और उसके बाद में पूरा घर, अभी पूरा घर नहीं सिर्फ हॉल ही क्लीन करना है, बाकी मेरा घर तो नीट एंड क्लीन है भाई। ऐसा थोड़ी दिवाली है, ये तो अभी सामान पूरा आया ना, गिफ्ट्स वगैरह, हाँ तो इसलिए घर थोड़ा मेसी मेसी हो गया है। बट मैं आपको देखना ठीक करके अपना घर ज़रूर बताऊंगी कि मालती का घर है, ऐसे ही तितर बितर थोड़ी रह सकता है। सुंदर बनाती हूँ, एकदम सुनन सुनन बनाती हूँ मैं अपना घर, तो अभी सुनन सुनन करना है, तो बस मैं थोड़ा सुनन सुनन कर लूँ फिर आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसे कचरे के जैसा हुआ है पूरा घर। अब मैं इसे जा रही हूँ ठीक करने के लिए। सो फाइनली हमारा घर क्लीन हो चुका है, यू कैन सी नाउ, है ना, नीचे भी कुछ नहीं है, मैंने सब क्लीन कर दिया, यहाँ भी देखो सोफे पे अब कुछ नहीं है, सारा क्लीन क्लीन बोल्ड कर दिया मैंने एकदम। और अब ना मैं एकदम थक चुकी हूँ और मुझे आ रही है नींद, तो मैं जा रही हूँ अपनी नींद लेने के लिए, और आप भी जाइए एकदम पीसफुल नींद लीजिए, क्योंकि कल है छोटी सी दिवाली, बट छोटी दिवाली भी बड़ी दिवाली से कम होती नहीं है, दिवाली वाली फीलिंग होती है। तो यस, एडवांस में हैप्पी छोटी दिवाली, और मिलेंगे आपसे कल अपने ब्रांड न्यू ब्लॉग में। बट जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन बियॉन्ड माय लिमिट व्लॉग्स। यस बाय, गुड नाइट, शुभ खैर, राधे राधे।